दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे मोटे कीड़ों के बारे में। हाँ जी दोस्तों, छोटे मोटे कीड़ों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन छोटे मोटे कीड़ों से क्या क्या सीख सकते हैं और इन छोटे मोटे कीड़ों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चींटी से। चींटी होती तो बहुत छोटी है, लेकिन वो अपने शरीर के भार से 20 गुना भार ज़्यादा उठा सकती है। चींटी में जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है टीम स्पिरिट की। चींटी कोई भी काम अकेले नहीं करती। चींटी जब भी कोई भी काम करती है तो वो टीम में करती है। चींटी छोटे होते हुए भी बड़े बड़े शिकार को घंटों में साफ कर देती है, क्योंकि ये अकेले कोई काम नहीं करती बल्कि पूरी टीम के साथ काम करती है। आपने अगर कभी देखा हो तो एक चींटी के जख्मी हो जाने पर कई चींटियाँ उसकी मदद करने भी आ जाती हैं। दोस्तों, जो अगले जीव के बारे में हम बात करते हैं वो है छिपकली। छिपकली का स्वभाव काफ़ी शांत होता है। ये आपको घर के किसी कोने में बैठी हुई दिखाई दे जाएगी। जैसे ही कोई मच्छर या कोई अन्य कीड़ा इसके पास आता है, ये तुरंत अपनी जीभ निकाल के उसे पकड़ लेती है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए अगर इसे घंटों इंतज़ार करना पड़े तो ये घंटों एक ही जगह पर बैठी रह सकती है। अगला जीव है हमारा मकड़ी। मकड़ी बड़ी मेहनत करके जाल बुनती है, फिर कहीं जाकर उसे एक मच्छर मिलता है। ये मकड़ी अपने जाल में कभी नहीं फंसती और ना ही कभी फंस सकती है, क्योंकि ये जाल किसी को तंग करने या फिर किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने खाने को पकड़ने के लिए बुनती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंछियों के बारे में। पंछी जब आकाश में उड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो कि पूरा आसमान उनका हो। वो कभी इस सोच के साथ नहीं उड़ते कि 2 किलोमीटर मेरा है और 4 किलोमीटर बगल वाले का है। दोस्तों, अब बात करते हैं तितली के बारे में। तितली का तो पूरा ही जीवन काफ़ी रोमांचक होता है। कहाँ वो अंडे में शुरुआत होती है, फिर कहाँ जाकर कीड़ा बनता है, और कीड़े बनने के बाद कहाँ जाकर वो तितली में बदलती है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।